चित्रकूट जिले में आज भी डकैतों का खौफ जारी है। हाल ही में बिलहा गांव की एक घटना ने एक बार फिर से गांव के लोगों का दिल दहला दिया है। किस दिन आपके साथ घटना हुई है? शनिचर के दिन हमारी घटना भाई भैया, जंगल के नीचे से हमारी शेरी हाँकी गई, जबरदस्ती हमारे साथ सरकसी के मुरेर के हाथ को धरी छुड़ाई थैली छुड़ाई ली हैं। एक बाद में नटई में फांसी लगाए के कढ़ेल लगी हमको जाए बीच जंगल में, वहाँ पटक के हमको मारी, पटक मारी के बाद में हमारा अंगूछा चीर फार के जितना हाथ गोड़ आँखी सब बंद करके और हमका नाला में झटक दी हिंद होगी चले भाग गए, छेरी हमार डहरा लगी। राम प्रताप को कई चोटें आई हैं और काफी खून भी बहा है। ये डकैत राम प्रताप की कुल 100 बकरियां भी ले गए, जिससे राम प्रताप का आर्थिक रूप से अधिक नुकसान हुआ। किसी आधार पर नहीं है, माटी का मोल बिक गए होगा, कौनो लायक नहीं है, हम भिखियारी बने हैं, हमको भीखो तो नहीं को दे सकत, एक तोला न दूध हो न कुछ हो, नान नान बच्चा हमारे खुदे मर रहे हैं, पियावे के बारे के कर पियाई, अब जे रोज चले ते रोज चलत नहीं, सब मर के ढरंग गई है होगा। इसके अलावा उन बकरियों के कई बच्चे अब भूखे बिलख रहे हैं। ये बकरियां ही राम प्रसाद की आय का साधन भी थी। बकरियां एक दिन में लगभग 15 लीटर दूध दिया करती थी। अपना खर्चा घर के चलता रहा, किसी तरह अपना पेट भरते रहे उसी में से। वो दूध बेचते थे जी, अब गरीब मने अगर बेचे ना थोड़ा बहुत तो उसमें खर्चा हमारी कैसे चलेंगे। राम प्रताप के अनुसार ये काम डकैतों का ही है, क्योंकि आस पड़ोस में उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। राम प्रताप ने डकैतों को पहचानने की बात बताई है। उनके अनुसार वे डाकू पहले भी उन्हें गांव में दिख चुके हैं और तब राम प्रताप ने उनका डटकर सामना भी किया था। बदमाश लोग कई मर्तबे हमारे साथ सरकसी कर चुके हैं। जब एक बार किए थे तो आप थाने में सूचना दिए थे? नहीं, कुछ नहीं भैया। लोगों और राम प्रताप का मानना है कि उनसे इसी बात का बदला कहीं ना कहीं लिया जा रहा है। मऊ थाना के छोटे दरोगा राजेश कुमार मिश्रा का कहना है कि अज्ञात में मुकदमा लिखा गया है, अपराध संख्या 236/17 394/18 IPC के तहत धारा लगी है, अभी जांच चल रही है, मौके पर जंगल और मार्केट में पुलिस ढूंढने की कोशिश में लगी हुई है, जैसे ही पता चलेगा तो कार्यवाही की जाएगी। इस घटना के होने के बाद गांव के सभी लोग दहशत में आ गए हैं।